हे गाइस, वेलकम बैक। और मोस्ट वेटेड वीडियो में आज लेके आ चुका हूँ सैमसंग गैलेक्सी A52s वर्सेस वन प्लस नॉट टू स्पीड टेस्ट, ऐप ओपनिंग टेस्ट, रैम मैनेजमेंट टेस्ट, हीटिंग टेस्ट, ये सब बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग, कम्प्लीटली वीडियो को देखना। बात करें यहाँ पे बेजल्स की, तो देख सकते हो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52s में आपको थोड़े से बड़े बेजल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 आपको जी सैमसंग गैलेक्सी A52s में देखने को मिलता है। तो मेडिटिंग डायमेंसिटी 1200 आपको वन प्लस नॉट टू में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की, 6.5 लाख के ऊपर आते हैं वन प्लस नॉट टू में, और 4,65,000 के आसपास आते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में, मतलब 5 लाख भी क्रॉस नहीं करते वर्जन 9 में। और बात करें यहाँ पे गाइज रीड राइट स्पीड की, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यार वन प्लस नॉट टू का रीड राइट स्पीड आपको बेटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे गाइज बात करें सॉफ्टवेयर की, तो गैलेक्सी A52s में आपको UI 3.1 फुल वर्जन देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन OS 11.3 आपको वन प्लस नॉट टू में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे गाइज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की बात करें, तो गैलेक्सी A52s में आपको 120Hz देखने को मिलता है, तो 90Hz आपको वन प्लस नॉट टू में देखने को मिलता है, जो आप महसूस कर सकते हैं। सो सैमसंग गैलेक्सी A52s का जो 120 है वो थोड़ा आपको बेटर फील यहाँ पे हो जाएगा। और दोनों ही फ़ोन में AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं रिबोट टेस्ट से और देख लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन सा फ़ोन सबसे पहले यहाँ पे बूट हो जाता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे गाइस सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G सबसे पहले बूट हो चुका है, और उसके लगभग 3-4 सेकंड के बाद वन प्लस नॉट टू भी बूट हो चुका है। तो बूटिंग में क्लियरली विनर है A52s। और यहाँ पे गाइस बात करें फिंगरप्रिंट स्पीड की, दोनों भी फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे स्पीड की, तो यार यहाँ पे वन प्लस नॉट टू का जो फिंगरप्रिंट का स्पीड है थोड़ा सा फास्ट लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू A52s, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्लियरली विनर है फिंगरप्रिंट स्पीड में वन प्लस नॉट टू। उसके साथ गाइज काइन मास्टर ऐप से एक वीडियो रेंडर कर लेते हैं, सेम लेंथ सेम साइज का वीडियो क्रिएट करते हैं दोनों भी फ़ोन में, और देख लेते हैं वीडियो को कौन सा फ़ोन सबसे पहले एक्सपोर्ट यहाँ पे कर पाता है। तो देख सकते हो सेम लेंथ का वीडियो बन चुका है, दोनों भी फ़ोन 4K तक वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं काइन मास्टर ऐप में। तो यहाँ पे वीडियो का साइज सेम हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो 1080p में हम वीडियो को रेंडर करेंगे स्टॉप वॉच को ऑन करके। देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कौन वीडियो को फिनिश कर पाता है। और गाइस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे लगभग 42 सेकंड के बाद सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G ने वीडियो एक्सपोर्ट कर लिया है, और उसके बाद लगभग गाइस यहाँ पे 51, 52, 53, 54 सेकंड के बाद यहाँ पे वन प्लस नॉट टू ने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया है। तो वीडियो एक्सपोर्टिंग में यार क्लियरली विनर है सैमसंग गैलेक्सी A52s, जो 10 सेकंड पहले इसने वीडियो एक्सपोर्टिंग को ख़त्म किया था। दोनों भी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, रिसेंट सब कुछ क्लियर है। कर लेते हैं सिस्टम बेस्ड ऐप ओपनिंग, फोन ऐप, तो यहाँ पे A52s ने फास्ट ओपन किया। मैसेज ऐप, फिर से A52s ने फास्ट ओपन किया। सेटिंग, फिर से गाइस A52s ने फास्ट ओपन किया। गैलरी ऐप, फिर से A52s। और उसके बाद कैमरा ऐप, तो ऑलमोस्ट सेम था दोनों भी फ़ोन में। तो सिस्टम बेस्ड ऐप, नो डाउट सैमसंग गैलेक्सी A52s फास्ट ओपन करता है। तो उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं इंटरनेट बेस्ड ऐप, मतलब जो हम डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। फेसबुक सेम था गाइस दोनों भी फ़ोन में, इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं। ओके, उसके बाद इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम भी सेम था दोनों भी फ़ोन में, इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। ट्विटर, तो ट्विटर यहाँ पे गाइस सैमसंग गैलेक्सी A52s ने फास्ट ओपन किया है, और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो। फ्लिपकार्ट ऑलमोस्ट सेम था दोनों भी फ़ोन में, यहाँ पे कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। तो एक पेज ओपन कर लेता हूँ रैम मैनेजमेंट टेस्ट के लिए। अमेज़ॉन, तो यहाँ पे गाइस वन प्लस नॉट टू फास्ट था और 1-1 स्कोर हो चुका है दोनों भी फ़ोन में। फिर से पेज ओपन करके रख देता हूँ, रैम मैनेजमेंट टेस्ट के लिए काम आएगा।
क्रोम विद वेबसाइट, तो यहाँ पे A52s फास्ट था। उसके बाद प्ले स्टोर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन हुआ है दोनों भी फ़ोन में। ओके, बराबरी का स्कोर चल रहा है, मतलब एक पॉइंट से आगे है A52s। यूट्यूब फिर से गैलेक्सी A52s ने फास्ट ओपन किया इसे। और अभी तक गाइस जैसे ही मैंने आपको बोला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव कंटेंट्स आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। उसके बाद Amazon Prime ऑलमोस्ट सेम था दोनों भी फ़ोन में। ओके, Spotify फिर से यार A52s क्या खा क्या आया है भाई, मतलब Antutu बेंचमार्क स्कोर कम होने के बावजूद भी ऐप फटाफट ओपन कर रहा है ये। उसके बाद सबवे सर्फर OnePlus Nord 2 ने फास्ट ओपन किया। हेवी गेम्स है अभी, टेम्पल रन देख लेते हैं ये कौन फटाफट ओपन करता है। तो फिर से OnePlus Nord 2 ने ओपन किया। ओके, कॉल ऑफ ड्यूटी और OnePlus Nord 2 फिर से, तो हेवी गेम्स OnePlus Nord 2 फास्ट ओपन करता है ये मुझे देखने को मिला। एसपॉन लाइन और नो डाउट यहाँ पे OnePlus Nord 2 ही ओपन करेगा। यस गाइज, हेवी गेम्स हेवी ऐप OnePlus Nord 2 फास्ट ओपन करता है कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 अपना पावर दिखा देता है। उसके बाद देख लेते हैं BGMI कौन सा फोन फास्ट ओपन करता है। शॉकिंग, लिटरली यहाँ पे मैं शॉक हो चुका हूँ, A52s ने BGMI को फास्ट ओपन किया और यहाँ पे स्कोर देख सकते हो 5-5, मतलब सेम टू सेम यहाँ पे स्कोर बन चुका है, मतलब कोई भी हारा नहीं है। बट यहाँ पे जो हेवी ऐप है ये OnePlus Nord 2 फास्ट ओपन करता है और लाइट ऐप्स A52s फास्ट ओपन करता है। उसके बाद कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट टेस्ट और चेक कर लेते हैं किसका रैम मैनेजमेंट आपको बेटर देखने मिलता है। फेसबुक दोनों फ़ोन के मेमोरी में था, इंस्टाग्राम दोनों भी फ़ोन के मेमोरी में है। ओके, ट्विटर दोनों भी फ़ोन के मेमोरी में आपको देखने को मिलता है। फ्लिपकार्ट दोनों भी फ़ोन के मेमोरी में है। अमेज़न तो यहाँ पे दोनों भी फ़ोन भूल चुके हैं। क्रोम विद वेबसाइट दोनों भी फ़ोन यहाँ पे नहीं, नॉट टू ने रिलोड किया था। अब प्ले स्टोर दोनों भी फ़ोन के मेमोरी में देखने को मिलता है। यूट्यूब नॉट टू भूल चुका है बट अभी भी है मेमोरी में है A52s के। अमेज़न प्राइम दोनों ही फ़ोन भूल चुके हैं। स्पॉटिफाई दोनों ही फ़ोन के मेमोरी में देखने को मिल जाता है। ओके, सबवे सर्फर दोनों ही फ़ोन भूल चुके हैं। टेम्पल रन अभी भी है मेमोरी में A52s के बट भूल चुका है नॉट टू। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों ही फ़ोन भूल चुके हैं। एसपॉल 9, अरे बाप रे, एसपॉल 9 और यहाँ पे यार अभी भी मेमोरी में है A52s के और नॉट टू फिर से भूल चुका है। ओके, फाइनल गेम BGMI और अभी भी A52s के मेमोरी में है बट भूल चुका है नॉट टू। बहुत ही बेकार गंदा रैम मैनेजमेंट आपको OnePlus Nord 2 में देखने को मिलता है, तो बहुत बहुत बेटर रैम मैनेजमेंट आपको A52s में देखने को मिलता है और इसके लाइक तो करना ज़रूर बनता है। उसके बाद कर लेते हैं CPU थ्रोटलिंग और देख लेते हैं CPU थ्रोटलिंग में कौन जीत जाता है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 15 मिनट तक CPU थ्रोटलिंग को रन किया, तो यहाँ भी देख सकते हो दोनों भी फ़ोन में ग्राफ नीचे 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 जा रहे हैं। 15 मिनट के बाद CPU थ्रोटलिंग बंद हो चुका है। बात करें रूम टेम्परेचर की तो ये लगभग 29.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। बात करें फ़ोन के टेम्परेचर की 15 मिनट CPU थ्रोटलिंग रन करने के बाद 44.3 पे आ चुका है A52s, तो Nord आ चुका है लगभग 44.3, मतलब दोनों भी फ़ोन सेम अमाउंट ऑफ हीट हो चुके हैं। और गाइज यहाँ पे लिटरली आप ग्राफ देख सकते हो दोनों भी फ़ोन का ग्राफ धीरे 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 नीचे जा रहा है, मतलब परफॉर्मेंस धीरे 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 जैसे फ़ोन हीट होता है तो कम देखने को मिल जाता है। 89% परफॉर्मेंस दे रहा है Nord 2 तो 88 परफॉर्मेंस दे रहा है A52s, मतलब सेम ही बट मैक्सिमम एवरेज और मिनिमम स्कोर आपको A52s में ही देखने को मिल जाते हैं बेटर। मतलब गाइस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 से बेटर A52s में देखने मिलता है एज पर CPU थ्रोटलिंग ऐप। वैसे रियल प्रैक्टिकल टेस्ट, मतलब रियल प्रैक्टिकली हम यूज़ करके टेस्ट करने वाले ही है, बट मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा
तो यहाँ पे लाइट ऐप सिस्टम ऐप्स ये फटाफट ओपन करता है A52s, और हेवी ऐप्स नॉट टू फटाफट ओपन करता है, बट डेली टास्क मतलब डेली ऐप्स नॉट टू में स्लो ओपन हो जाते हैं। बाकी मेरे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको और कौन कौन से वीडियो चाहिए। जय हिंद दोस्तों।